हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज करवा चौथ है एंड आपको हम लेके जाते हैं कि आज हमने क्या किया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ बीइंग इन इंडिया. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. चलो जी। अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड सोए तो हम है नहीं, और मेरे हाथों पे अभी भी मेहंदी लगनी है. बट मेरे पैरों पे मेहंदी कौन लगा रहे हैं? स्केड्यूल काम का ऐसा था कि मुझे जाके मेहंदी लगवाने का टाइम नहीं मिला, और जितने लोगों से पूछा वो सारे बुक्ड थे ये वो. एंड मैं दिखाती हूँ मेरे पैरों पे क्या चल रहा है. कोई जज नहीं करेगा, मैंने पहली बार करा है। पहली बार करा है. चलो कोई नहीं है, एटलीस्ट मेरे हाथ पैर सूने सूने तो नहीं रहेंगे. ठीक है, कम से कम मेहनत तो हो रही है. मेहनत मैं हमेशा कर, मैं बड़ा मेहनती बच्चा हूँ, मैं बहुत मेहनती बच्चा हूँ। मैं कोई नहीं, एट द एंड इट्स द एफर्ट्स एफर्ट्स राइट. करेक्ट तो बस ये एफर्ट्स बाय मनप्रीत सिंह। मैं यहाँ पे नाम नहीं देता, ऐसे साइन कर नहीं देता हूँ जी, आपका, कोई जरूरत नहीं है. प्लीज। तो बस अब पैरों की मेहंदी हो गई है, हाथ में मैं बेसिक से सर्कल बना लूंगी एंड देन सरगी की तैयारी करेंगे आई गेस. करवा चौथ की सुबह हो चुकी है, यहाँ से पता लगेगा जी। मेहंदी सारी सारी झड़ गई है, रात को मेहंदी लगाई थी मैंने। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वैसे साफ लगा सकता, मैंने कैसी सी मेहंदी लगाई होगी। मैम अभी सरगी खा रही थी मैडम, तो ये अभी फेणियाँ खाई जा रही हैं। बाकी सरगी पूरी हो चुकी है, बस चाय बची है। तो अर्पित जी कैसा लग रहा है? जो बंदा छोटे छोटे पोर्शन में खाता है ना, उसको बड़ी दिक्कत आती है. चलो होपिंग फॉर द बेस्ट कि आज तुम्हें तो दिक्कत ना आए। मैं तो सोने वाली हूँ. दूसरी दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे बहुत डिहाइड्रेशन होती है, प्यास को कंट्रोल करना मुश्किल होने वाला है. देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बाद तो बेस्ट है कि इसके बाद तो सो जाएगी सरगी, सरगी खा के फिर आराम से उठी हो, ताकि जितना टाइम हो सकता है वो सोते हुए पार हो जाए। चलो जी आपसे मिलते हैं हरप्रीत के उठने के बाद, या जब भी मौका लगता है। बाहर का मौसम चेक, और साथ में आज आपको हम BTS दिखाएंगे। लाइटें शाइटें ऑन करके सामने तैयार हुआ जा रहा है। नीचे मेरी सैंडो फाड़ के रखी हुई है, क्योंकि बैठने के लिए जगह चाहिए थी। एक तो इनके ब्रश भाई साहब मेरे को समझ आती है, देखो यार, ओए होए होए, क्या एकदम कटिंग शटिंग ये ज्यादा मत वो। बोलो. और इनमें पूरा वो मेकअप अंदर धंसा हुआ, मतलब अगर आपने मुंह पे मार लूंगा गोरा हो जाऊंगा अभी। मेरे को इयररिंग्स पहना दो प्लीज. ये देख रहे हो, ये BTS चल रहे थे यहाँ पे। ये क्या चल रहा है हरप्रीत? बस थाली की प्रिपरेशन हो रही है, लस्सी थोड़ी बन सी रही है इसमें अभी. डाई जाएगी, चीनी, थोड़े से चावल। कच्ची लस्सी बन रही है. यस, कैसी लग रही है आज ये? चलो चीनी डल गई थोड़ी सी, अब थोड़े से चावल। चलो चावल भी डन हो गए, वेरी नाइस। अब इसको बेशक मेरे ख्याल ढकना होता है ना शायद इसको, इसके ऊपर से नारियल रखना अब होता पता नहीं है. वो इसके ऊपर ही रखना है या इसको ढकना होता है। तो अच्छी खासी बन गई थी, दीवा मैंने बना दिया है, क्योंकि मैडम के नाखून लगे हुए हैं हाथ पे, इनका कुछ होता नहीं। नकली नाखूनों ने आधा काम खराब कर रखा है, ना आटा गूंदा जाता है ना कुछ बनाया जाता है। तो अच्छा जी, ओ शबाश शबाश मेरा शेर। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, या पता नहीं बहुत ज़्यादा डालना है, मेरे को पता कितना ज़्यादा डालना होता है, डालना होता है बस। ये क्या हो गया? या फिर मुझे लग देखो रहा है हमने आटा ज़्यादा ले लिया है, इसलिए लस्सी लस्सी सा हो रहा है। ये ऐसे जैसे शक्ल परेशान दिख रही है ना इसकी, आज मैं इसको कोई बोल नहीं सकता हूँ, भूख लग रही है. क्योंकि आज ये मेरे लिए व्रत रखा हुआ है, और ये मेरे को आज ही ख़त्म कर सकती है, चाहे तो लंबी उम्र बाद की बात होगी, उम्र ही नहीं बचेगी। वेरी फनी. लंबी उम्र तो तब ना जब उम्र छोड़ेगी ये। मट्ठियाँ आई हैं जी। वैसे तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया हुआ है, एक कप चाय, एक सैंडविच, डन। समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके, हैं समथिंग यू हैव हैड यार, एटलीस्ट. तुमने सुबह जब खाया था उस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने उठ के चाय पी ली बस। ओके, एटलीस्ट आपने पानी तो पिया ना, मैंने वो भी नहीं पानी पिया. भी कहाँ पिया मैंने, वर्त रख लेना था ना फिर रखा ही हुआ एक तरीके से, हद ही हो गई। यार. अभी नहीं प्लीज, अभी ना मेरे सर पे हो रही है दर्द. अब टक्कर मार दीवार पे, और क्या करना है? पैरों पे मेहंदी की मेहनत करी है मैंने, मेरे को पता है बहुत गंदी लगी है, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई बात नहीं है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. कैसी लग रही है इसकी कंप्लीट लुक, आप अच्छी बताओ? लग रही है अच्छी लग रही है, मेरे को तो लगेगी ही अच्छी। मेरे को, अच्छी लग रही है. मैं बाकी उनसे पूछना अच्छा चाह रहा हूँ, सॉरी. मेरे को तो अच्छी लगी। आई डू आई हैव एन ऑप्शन? इट्स ऑप्शन ए अच्छी लग रही है, ऑप्शन बी मन्नू घर पे नहीं रहता, ओके, तो ऑप्शन ए ही मानना पड़ेगा, मुझे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है भूख बहुत लग ज़्यादा, रही और है, ये आ रही है नींद। मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा.
मुझे प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, और अब हम पूजा करेंगे और फिर जब चांद आ जाएगा तब हम व्रत खोलेंगे। ओके चलो लेट्स वेट फॉर द चांद। अरे बड़ा मुश्किल है व्रत रखना बाय गॉड। मतलब पहले जब मैं तैयार हुई थी ना मुझे था कि ठीक है हो जाएगा, बट एक घंटा दो घंटे उसके बाद मतलब तुम्हें ना हालत खराब होने लग जाती है। अब मेरा सर दुख रहा है, वो दुखेगा ही क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ, बट इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं ना, है ना मन्नू? ये बेशक मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे बट अंदर से चाहती है मन्नू एक बार आप इधर आओगे बताती हूँ मैं। आओ जी थाली तैयार हो गई है, नारियल है, मट्ठी है, बादाम वगैरह है। अब फिलहाल के लिए कथा हम लोग लैपटॉप में लगा रहे हैं। देखो यार कोई गलती हो रही हो तो अभी हम भी नवे हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अरदास वगैरह भी मैंने कर ली थी, उसके आगे हाँ जी कथा स्टार्ट हो गई है। अब कथा के बाद आपसे मिलते हैं। हरप्रीत जी पूजा करके बैठ गए हैं और थोड़ा थके से हुए हैं, ऑफ कोर्स बनता भी है। तो हरप्रीत जी व्हाट इज़ दी अपडेट बाय द वे? अपडेट ये है कि मैं तो देख रही हूँ कि चांद को कैसे, मतलब कंफ्यूजन है, मैं बताती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला, पहले जब मैंने लाइक आई थिंक सितंबर में सर्च किया था गूगल पे तो आया था कि 31 अक्टूबर को है। फिर उसके बाद ये बात होने लग गई कि 31 को नहीं है, 1 को है। फिर मैंने ना इंस्टा पे स्टोरी डाली, मोस्टली लोगों ने 1 ही बोला। फिर उसके बाद मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ के मतलब वैंकूवर के मंदिर के हिसाब से 31 को है। तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन, और मेरे को इस चक्कर में 2 छुट्टी लगवानी पड़ गई क्योंकि मैंने 31 की पहले से लगवाई ना। चांद भी 2-3 छुट्टी मार गया ना, लेट आएगा। मैं वही मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ना इंडिया में 1 को है इसलिए कनाडा में 31 को करना है क्योंकि वो टाइम डिफरेंस की वजह से वही बैठते हैं। बट मैं ये देख रही हूँ अगर कनाडा में 31 को हो गया तो चांद क्यों नहीं आया अभी तक? चांद गोची रह गया। चांद को भी पता है कि लोगों में कंफ्यूजन है तो मैं दोनों दिन लेट आऊंगा। मैं 31 को भी लेट आऊंगा, 1 को भी लेट आऊंगा। अभी तक चांद नहीं आया। खाने के लिए हमने बाहर जाने का प्रोग्राम अभी तक सोचा हुआ है, अभी बस चांद की वेट हो रही है, हिसाब से सोचते हैं क्या करना है फिर। ऑल्दो बाहर ठंडा हो बड़ा, मौसम बर्फ ही बर्फ हर जगह सनाउ पैंदी है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक चांद नहीं आएगा तब तक व्रत खुलेगा नहीं, ठीक है? और जब व्रत खुलेगा 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। अब मेरे से और नहीं बोला जा रहा। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अब चंदा मामा के बाद। मेहंदी जो है गाड़ी हो गई है, नहीं होती तो मन्नू पिटता मेरे से। देखो मैं कह रहा हूँ ये नाम की ही उम्र बढ़ाई जा रही है, अंदर से तो चाहते हैं कि मन्नू इधर आओ आपको बताऊं। कल ना हम लोग लेट गए जाके और फिर मेरे को याद आया शिट नाम तो लिखा ही नहीं, फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने कीप से बस अल्फाबेट लिख लिया क्योंकि मैंने भी कौन सा बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती मुझे ना। हाँ मैंने अपना नाम यहाँ लिखा था यार, ये देखो मैं ऐसी बात नहीं है, मैं मामू लग रहा हूँ, मैं मन्नू लिखे एक्चुअली। मामला फिलहाल बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, मुश्किल पारा सा चल रहा है। रीजन बीइंग टाइम देखो कितना हो गया, टाइम हो रहा है ये 10:30 और अभी तक चांद नहीं दिखा है। बात ये है कि चांद आ चुका है डायरेक्शन, मतलब जब मैं आपसे ट्रैक कर पा रहा हूँ कि चांद दिख रहा है किस डायरेक्शन में है, बट बादल इतने सारे हैं कि चांद दर्शन देने को राजी नहीं है। तो मामी से हमने बात करी है, वो यही कह रहे हैं कि अब पता तो है कि चांद आ गया है, तो हमने एक दूसरे का फ़ोन करा कि भैया तुम्हारे वहाँ से दिख रहा है वीडियो कॉल पर दिखा दो। तो अभी हम लोग कुछ इसी हिसाब से अर्घ दे के फिलहाल मतलब हरप्रीत खोलेगी अपना व्रत, अभी यही हमें करना पड़ेगा। हमारे पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन तो है नहीं है, चांद की भी गलती नहीं है, बेचारे बादल आ गए बीच में इस बार। कोई नहीं, मिलते हैं हम आपसे। तेजी व्रत ओपन कर लिया है मैडम ने, व्रत ओपन करते सार हूँ डब्बा ओपन कर रहे हैं फटाफट। की है गए आपने मंगाया, आपको पता होगा राइस चावल थाली मंगाई थी क्या? डब्बा छपा ओपन करने के बाद हाँ शाबाश, फटाफट खा ले अब मेरे को पता तेरा मन हो रहा है। और हम लोग आज थोड़ा कैंडल लाइट डिनर करेंगे, तो आज हम कैंडल यूज करने वाले हैं, ये क्या नाम है इसका छोटू का, दिस इज डार्क वेलवेट ऊद। रीजन बीइंग क्योंकि चांद इतना लेट हो गया, बाहर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, तो हम लोग इतनी ज्यादा ठंड है इस टाइम पे, ओ माय गॉड, हमें 5 मिनट भी नहीं लगे और कुल्फी जम गई हम दोनों की, लिटरली बालकनी में फंस गए। या वी विल गेट स्टार्टेड विद द डिनर नाउ। तो जी ये रेड वेलवेट हमने जला दिया, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है और ये एक्सक्लूसिव फ्लेवर था दुबई से, रमजान के टाइम पे ये कहीं से भी नहीं मिलेगा, आई एम प्रिटी श्योर अब ये दुबई से भी नहीं मिलेगा और शायद ही कहीं से मिले, मे बी नेक्स्ट रमजान पे आएंगे। एक बार सेटअप के दर्शन कराओ, मैडम की फेवरेट पाव भाजी प्लस पनीर टिक्का मसाला
रोज़ फलूदा। दाल मैंने बनाई थी क्योंकि सगन होता है इसलिए मैं थोड़ी सी ले रहा हूँ साथ में। नान आ गए हैं, मूवी लग जाएगी अभी इसमें। चलो जी हरप्रीत जी, पाव भाजी एक नंबर, बहुत बढ़िया। सिलेंट्रोस हमारे घर से पास है, इसके समोसे एक नंबर, पाव भाजी एक नंबर, चिली पोटैटो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। इनको हनी का टेस्ट नहीं आया, इनको पसंद नहीं आए। चलो अब मूवी लगाते हैं, चलो टाइम फॉर डिनर। कैसा रहा आज का दिन? सॉरी आज का दिन बहुत ज्यादा टायरिंग तो नहीं था, बट पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं। नहीं टायरिंग हो सकता है यार, बंदे ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। टायरिंग नहीं था और मतलब बर्दाश्त करने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था, वो भी स्पेशली इसके लिए जब ये मतलब बिना खाए रह नहीं सकती। ये लगती है पतली, ये बिना खाए रह नहीं सकती, स्पेशली सुबह सुबह उठते ही इसको कुछ चाहिए, वरना तो हैंगरी हो जाती है ये। व्हाट इज हैंगरी बताना चाहोगे? जब खाना नहीं मिलता तो फिर टैंट्रम शुरू हो जाते मेरे, तो ये हंगरी प्लस एंग्री हो जाती है, तो हैंगरी हो जाती है ये। कोई नहीं, बट मन्नू ने भी सुबह से ज्यादा कुछ नहीं खाया तो। मैंने हाँ बस एक कप चाय पी थी, एक सैंडविच खाया था बस, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं हमने भी बर्फी रखवाया था तो साथ में ही अब हम खाएंगे तो बस अब हम खाने लगे हैं। एंड ये था हमारा एक्सपीरियंस, बट मैं सीरियसली ये चीज बोलूंगी कि जो मजा फेस्टिवल्स को इंडिया में मनाने का आता है ना, जैसे फर्स्ट करवा चौथ है तो सारे होते राइट एकदम साथ में, मेरे साइड से मन्नू की साइड से, तो वो उसका अलग। इंडिया में वैसे ये फेस्टिवल सीजन ही है, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, तो अब सब कुछ इकट्ठे इकट्ठे ही आ जाता है। करेक्ट, कोई नहीं। चलो ये वाली वीडियो को हम लोग फिलहाल के लिए करते हैं एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले क्या करना है? तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मेरे में साथ जान नहीं है बोलने, बेल भी बजा देना। हाँ अब बट मैं अगली वीडियो में थोड़ी एनर्जी के साथ मिल जाऊंगी, अभी मैं एनर्जी डाउन है। मिलते हैं बाद में, टाटा बाय बाय बाय।